अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वो कह रहा है कि लास्ट डे को हमने भेज दिया था 3:05 में टाइम था, ये देखिए मेरा प्रूफ, और वो कह रहा है कि साहब ये देखिए मेरा प्रूफ कि हमने रिसीव किया इसको नेक्स्ट डे यानी 16 को 8:30 पर सुबह में, कंप्यूटर यही बता रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इसकी बनाया गया नियम टाइम लैग पर क्या होगा, उसमें एक शब्द है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का टेक्निकल मीनिंग है कि आपने उसे स्वयं रेडी किया है या किसी के माध्यम से भिजवा दिया है। एट्रीब्यूशन का प्रोविजन है सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 में एक्नॉलेजमेंट का है कि कब एक्नॉलेजमेंट माना जाए। गुरुवार 5 सितंबर 2024 को अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद और उसकी बिहार की संबद्ध इकाई अधिवक्ता परिषद बिहार का 32वां स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम बिहार बार काउंसिल भवन के सभागार में मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय न्याय संहिता 2023 के त्वरित न्याय की प्रासंगिकता विषय पर गहराई एवं गंभीरता से चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर अनुशुमन के कर कमलों द्वारा हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर अनुशुमन ने चिंतन विषय पर गहन प्रकाश डाला तथा ये आशा व्यक्त किया कि ये नया अधिनियम देश को अपराध मुक्त करने में कारगर साबित होगा। त्वरित न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत अपराधियों को कठोर रूप से दंडित किया जा सकेगा। बताते चलें कि डॉक्टर अनुशुमन जी को प्रदेश का आम जनमानस जिन्हें न्याय का एक प्रतिरूप मानता है, चाहे वो न्यायालयों में अंग्रेजी की प्रचलित व्यवस्था से अलग हटकर हिंदी में फैसला अर्थात जजमेंट देकर हिंदी का सम्मान करना हो। हिंदी जो कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, चाहे उनकी अदालत में आए विभिन्न सुनवाइयों में पीड़ित पक्ष को समय पर संतोषप्रद न्याय देने की बात हो, उनके चेहरे के तेज और वेशभूषा की सादगी से यह सहज प्रस्फुटित होता रहता है। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रवाह में अपराध तथा अपराधियों का कोई स्थान कभी नहीं रहा है और समाज में उसे सदैव हीन दृष्टि से देखा है। यह चिंताजनक है कि आज अपराधियों का महिमा मंडन समाज में जाति एवं धर्म के नाम पर करने का प्रयास हो रहा है, जो देश एवं समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अपराध तथा अपराधियों का भारत जैसे सभ्य देश एवं समाज में कोई सम्मानपूर्ण स्थान कभी नहीं रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अधिवक्ता परिषद बिहार के महामंत्री श्री धरणीधर सिंह ने अपना महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत अधिवक्ता परिषद बिहार की कोषाध्यक्ष सह प्रांत महिला प्रमुख डॉक्टर शोभा चौबे ने किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद बिहार के वरीय उपाध्यक्ष सह संयोजक प्रमुख श्री अमोद कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता परिषद बिहार के प्रांत अध्यक्ष श्री महेश प्रसाद ने किया। चूंकि प्रांत की नई टीम बन चुकी है, अब स्थानीय इकाइयों में भी टीम का गठन होना है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री की उपस्थिति में प्रदेश संयोजक प्रमुख श्री अमोद कुमार सिंह ने पटना उच्च न्यायालय शाखा के लिए श्री उदय शंकर पांडे जी को अध्यक्ष तथा श्री लक्ष्मेश मरविंद को महामंत्री नामित किया है। कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद बिहार से श्री उदय शंकर पांडे, श्री लक्ष्मेश मरविंद, श्रीमती दिव्या, श्रीमती निमिषा सहित बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला अधिवक्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम,
राष्ट्रगीत एवं समापन राष्ट्रगान जनगण मन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता सुश्री मीता ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रांत मंत्री श्री शैलेंद्र कुमार ने। हमेशा ये सुनने में आता है कि इसमें पुरानी ही बातें हैं, यह सत्य है कि पुरानी बातें ज्यादातर हैं लेकिन अपने नए स्वरूप में है। बहुत से ऐसे अपराध हैं जो उस जमाने में, जिस जमाने में इंडियन पेनल कोड बना था, भारतीय साक्ष्य बना था, उस समय वो नहीं थे। उस समय टेररिस्ट नाम की चीजें नहीं थी, उस समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बातें नहीं थी। ये जो शब्द इलेक्ट्रॉनिक मोड है, यही हमको फिजिकल वर्ल्ड से अलग करते हुए त्वरित न्याय को समझने के लिए बाध्य करता है कि जहां कल तक 1 जुलाई 2024 के पहले तक हम सारे चीजों का उपयोग फिजिकली कर रहे थे, वहां 1 जुलाई 2024 के बाद बीएनएसएस की धारा 530 ने स्पष्ट कह दिया कि आप उन सारे चीजों का उपयोग जो आप फिजिकल मोड में कर रहे थे, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे। और इसके लिए उन्होंने दो शब्द उसके अंदर डाले हैं। वो शब्द हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसकी परिभाषा भी उन्होंने सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर दी है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। और दूसरा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, इसकी परिभाषा भी बीएनएसएस के धारा 2 उपधारा 1 और क्लॉज ए के अंदर दी गई है।